सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। पाब्लो एस्कोबार को कौन नहीं जानता, स्पेशली तब जब नेटफ्लिक्स ने इनके लाइफ के ऊपर बेस्ड एक टीवी सीरीज रिलीज की थी 3 सीजन की, जिसका नाम था नार्कोस। अभी तक नेटफ्लिक्स के नार्कोस के 3 सीजन आ चुके हैं जो कि लोगों को काफी पसंद भी आया है। नार्कोस में क्लियरली स्पेसिफिकली और फुल डिटेल में पाब्लो एस्कोबार, उनका परिवार, उनकी जिंदगी और उनके एसोसिएट्स के बारे में बताया गया है। अब नार्कोस एक टीवी सीरीज थी जिसमें 3 सीजन थे, हर एक सीजन 10 एपिसोड का था और हर एक एपिसोड 1 घंटे का था। तो 30 घंटे में ना सिर्फ पाब्लो एस्कोबार बल्कि उनके बाद में बचे कुचे ड्रग कार्टल्स के बारे में भी बताया गया है। नार्कोस को मेरे ख्याल से अभी तक सभी लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो प्लीज इसे जरूर देखिए, ये पूरी टीवी सीरीज आपका दिल और दिमाग पूरा हिलाकर रख देगी। नार्कोस के बारे में मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो लोगों ने नार्कोस देखा होगा टीवी सीरीज नेटफ्लिक्स पे, उन लोगों को शायद से लविंग पाब्लो उतनी पसंद नहीं आएगी क्योंकि इसमें वही स्टोरी है, उल्टा शॉट में दिखाया गया है। मगर इसकी वजह से आप मूवी को जज ना करें क्योंकि नार्कोस जहां पर पाब्लो एस्कोबार के बारे में 30 घंटे में दिखाती है, वहीं पर ये मूवी आपको पूरा पाब्लो एस्कोबार के बारे में 2 घंटे में दिखाती है, वो भी काफी खूबसूरती से। सो क्या ये मूवी नार्को टीवी सीरीज से बेहतर है और क्या ये मूवी बेहतर है भी, लेट्स फाइंड आउट। लविंग पाब्लो को डायरेक्ट किया है फर्नांडो लियोन डी अरोनाओ ने, जो इस मूवी के राइटर भी हैं। मूवी में काफी शानदार और फेमस एक्टर और एक्ट्रेसेस ने काम किया है, जैसे आवेर बार्डेम ने काम किया है पाब्लो एस्कोबार का। द गॉर्जियस पेनेलोप क्रूज ने काम किया है वर्जीनिया का, जो कि मूवी में एक रिपोर्टर कम प्रेमिका है पाब्लो एस्कोबार की। सार्सगार्ड ने काम किया है शेपर्ड का, जो कि एक अमेरिकी एजेंट है। इन तीनों ने काफी अच्छी और बेहतरीन एक्टिंग की है इस मूवी में और इनकी एक्टिंग और इस मूवी में 4 चांद इसलिए लग जाते हैं क्योंकि ये पूरी इंसिडेंट हुई थी कोलंबिया में, जहाँ की लैंग्वेज है स्पैनिश और हमारे दोनों लीड एक्टर्स यानी कि आवेर बार्डेम और पेनेलोप क्रूज दोनों ही ओरिजिनली स्पैनिश एक्टर्स हैं, तो मूवी में और जान आ जाती है और मूवी देखने लायक ही बनती है। इस मूवी को शॉर्ट और सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें ये नहीं दिखाया गया कि पाब्लो एस्कोबार अपनी शुरुआती दिनों में ड्रग कार्टल कैसे बने। मूवी वहां से चालू होती है जहां पर पाब्लो एस्कोबार सिर्फ एक ड्रग कार्टल ही नहीं बन चुके हैं बल्कि एक बहुत ही फेमस ड्रग कार्टल बन चुके हैं जो अब एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं ताकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर उनको छू भी ना सके, जिसके लिए वो गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, उनको घर देकर, उनको पैसे देकर एक्सेट्रा। ये मिलते हैं एक न्यूज रिपोर्टर वर्जीनिया से, जिनका किरदार निभाया है पेनेलोप क्रूज ने, जिनके साथ आगे जाकर इनका अफेयर भी होता है। ये पूरी मूवी इस रिपोर्टर के नजरिए से दिखाई गई है क्योंकि अंत में यही वो न्यूज रिपोर्टर रहती है जो कि इस पूरे मूवी के खत्म होने के बाद में या शायद से इस ड्रग कार्टल के खत्म होने के बाद में या यू कहूं कि इस पूरे ड्रग कार्टल रिंग के खत्म होने के बाद में बची रहती हैं। मगर ये पाब्लो से सच में इतना प्यार करती रहती हैं कि जब तक इन पर मजबूरी नहीं आ जाती तब तक ये पाब्लो के खिलाफ नहीं जाती। और भाई कौन नहीं लॉयल रहेगा पाब्लो से, आई मीन डर तो डर था ही उनका, बट अगेन इतने सारे पैसे मिल रहे थे और जो ठाट थी वो तो अलग ही थी। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे अमेरिकी सरकार पाब्लो एस्कोबार से काफी परेशान है क्योंकि 80% ऑफ द ड्रग्स जो कि अमेरिका में आती थी वो पाब्लो एस्कोबार के थ्रू अमेरिका में आती थी। एंड सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ ड्रग्स प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि जो भी लोग ड्रग्स खरीद रहे थे अमेरिका में उनका सारा पैसा कोलंबिया में जा रहा था। आई मीन हर एक बंदा ड्रग्स खरीद रहा था और ये पूरे ड्रग्स के पैसे वापस कोलंबिया में जा रहे थे, तो एक तरह से अमेरिका की जो भी इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी हिल चुकी थी और इसके लिए अमेरिका को कुछ ना कुछ जरूर करना था वरना उनकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। और इसका सोल्यूशन उन्होंने एक्स्ट्राडिशन के तौर पर निकाला क्योंकि कोलंबिया सरकार घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ पा रही थी पाब्लो एस्कोबार का, तो अमेरिकी सरकार ने एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी निकाला। इस पॉलिसी के तहत कोलंबिया में जो भी ड्रग कार्टर्स हैं, जो भी गुनेगार हैं, जो ड्रग सप्लाई करते हैं, उनको अमेरिकी सरकार पकड़कर वापस अमेरिका लेके जाकर वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनको अमेरिका में ही बंद रख सकती है। इसके लिए अमेरिकी और कोलंबिया सरकार दोनों तैयार हो जाती हैं, बट ये चीज पाब्लो एस्कोबार को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक बार वो पकड़े गए और अमेरिका चले गए तो वहां से उनका बचकर वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। इस चीज को रोकने के लिए और अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए और न सिर्फ एक पॉपुलर पॉलिटिशियन बनने के लिए बल्कि कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए पाब्लो एस्कोबार क्या क्या करते हैं, यही स्टोरी है मूवी की। बहुत सारे फेमस और पॉपुलर मूवमेंट्स है पाब्लो एस्कोबार के लाइफ के, इतने सारे कि ये एक मूवी कम पड़ जाती है कहीं ना कहीं उन सबको दिखाने के लिए।
और इसी चीज का फायदा उठाया है मूवी ने, उन सभी चीजों को ही एक्सप्लोर किया गया है इस मूवी में। तो पूरी मूवी देखते देखते आप कहीं पर भी बोर नहीं होते, जैसे कि उनका उनके दोस्तों के साथ बाइक पर हमेशा सवारी करना, उनके साथ वक्त बिताना, वर्जीनिया के साथ काफी वक्त गुजारना, कोलंबिया में लोगों को पैसे बांटना, अपने ड्रग कार्टल्स पर दबदबा बनाना, अपने प्रोटेक्शन के लिए शिकारियों बनाना, जो भी इनके खिलाफ जाए उनको मार डालना, यहाँ तक कि गवर्नमेंट अगर बात ना सुने तो प्लेन्स को बम से उड़ा देना। तो ये तो सिर्फ एग्जांपल था कि इतनी सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलती हैं, तो बोर होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मूवी में ऑफकोर्स बहुत सारे न्यूड सीन्स है और कुछ ऐसे भी सीन्स है जो सरप्राइजिंगली आपको नार्कोस टीवी सीरीज में भी देखने को नहीं मिले थे। तो ये मूवी उन्हीं सभी चीजों से लेस है। मुझे क्राइम और हिस्टोरिकल मूवीज और टीवी सीरीज काफी पसंद है, तो अगर ऐसी कोई क्राइम या हिस्टोरिकल मूवी या टीवी सीरीज आती है तो मैं उसका एक एक सेकंड नहीं छोड़ता। पाब्लो एस्कोबार और उनके एसोसिएट्स को लेकर काफी सारी मूवीज और टीवी सीरीज बन चुकी हैं, जिनमें पहला तो फेमस है नार्कोस और दूसरा पाब्लो से ही लिंक्ड मूवी है जिसमें टॉम क्रूज ने भी काम किया है। मूवी का नाम है अमेरिकन मेड। इस मूवी में टॉम क्रूज ने उस पायलट का काम किया है जो पाब्लो के लिए प्लेन में ड्रग्स भर भर के अमेरिका और कोलंबिया के बीच लेकर आते जाते रहते थे। सो वो मूवी भी टॉम क्रूज की बहुत ही अच्छी थी, आपने नहीं देखी है अगर तो आपको जरूर देखना चाहिए। सो ये सभी मूवीज और टीवी सीरीज लिंक्ड है एक दूसरे से, और इस मूवी को भी बहुत ही अच्छे सीन्स, सम गुड ग्राफिक्स, सम रियली गुड डायलॉग से भरा गया है। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 out of 10। तो जाइए, मेरी तरफ से पूरी हाँ है, आप इस मूवी को देखिए और एंजॉय कीजिए और इसे किसी भी हालत में मिस मत करिए। तो आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई टीवी सीरीज या मूवी रिव्यू करें तो प्लीज उस टीवी सीरीज या मूवी का नाम भी कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।